भाई अब मैं निकलता हूँ औरंगाबाद, घृणेश्वर और लेटू हनुमान जी, बीबी का मकबरा और तीन चार चीज़ें हैं वो पर डे आपको अगर कोई भी साइट सीन करना है तो वो उसका जो चार्जेज है 400, 300, 400, 500 डिपेंड करता पर है। तो चलिए मैं जा रहा हूँ अभी नेक्स्ट ब्लॉग जो आपको देखना है मेरा। मुझे मैंने फिर बताया कि इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा कैसे जाएँ कहाँ जाएँ वो सारी चीज़ें। कौन सी ब्लॉग से सब्सक्राइब करना है देखिए, साई आश्रम भक्ति निवास यहाँ पे भी काफ़ी कमरे हैं और यहाँ पे सस्ता भी है और ये मंदिर से जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है तो यहाँ पे भी बहुत सुबह मॉर्निंग में यहाँ से आपको हर जगह घूमने की सब जगह यहाँ से बस मिल जाती है आसानी। तो फाइनली हम शिरडी से निकल रहे हैं अभी औरंगाबाद घूमने के लिए साइट सी। तो देखिए भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसी बस मिले, नई मिलेगी या पुरानी मिलेगी। तो भाई थोड़ी सी हमारी जो बस है ये थोड़ा सा डाउन हो रखी है बट अभी यहाँ से 2-2.5 घंटे लगेंगे तो 2-2.5 घंटे बाद हम वहाँ पे देखेंगे साइट सीन औरंगाबाद का। 2-3 जगह हैं जो देखने लायक हैं, एक तो ज्योतिर्लिंग है और एक स्लीपिंग हनुमान जी हैं और एक और जगह कोई बता रहे हैं भैया, तो वो चलो मैं आपको तीनों चीज़ दिखाऊँगा। और मेरे अगर आपने ये मेरा सेकेंड डे मेरा औरंगाबाद का है, नेक्स्ट और भी दिखाऊंगा आपको नासिक मुंबई सारे। तो चलते रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए कुम सिंह ब्लॉग। चलिए तो मिलेंगे और देखिए आवाज बहुत कर रही है बस। जितना जल्दी आप सुबह निकलेंगे अभी घूमने जाने के लिए घृणेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए, उसके बाद ऐसी जगह भी दिखाऊंगा मैं आपको जहां पर आपके पॉकेट में अगर 20 का नोट है तो उसमें पीछे का जो इमेज ली हुई है, फ़ोटो लिया वो कहां पे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखना, मज़ा आने वाला है आपको। और देखिए अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्टली हम पहुँचते हैं भोले बाबा का दर्शन करने के लिए उस जगह पर जहाँ पर आपको ऊपर के वस्त्र मेल जो कैटेगरी है पुरुषों को अपने बनियान और अपनी शर्ट उतार के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है उस जगह। और फिर उसके बाद चलेंगे एलोरा की गुफाएं, उसके बाद हम आपको और पूरा वीडियो देखते रहिए। अभी मैं रुकता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद हम आगे का देखो बहुत बीच में जब जा रहे हैं औरंगाबाद घूमने के लिए तो बीच में अगर आपको रेस्टोरेंट मिल जाते हैं और आप नाश्ता कर सकते हैं यहाँ पे 9-10 बजे करीब आप आ जाते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता करके फिर आप निकल सकते हैं। औरंगाबाद का आपका 2 घंटे का टाइम लगता है आपको शिरडी से जाने में, तो चलिए अब आधा रास्ता तुमने तय कर लिया। और सभी हमारी जितने भी ग्रुप मेंबर हैं पूरा हम निकल चुके हैं। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। चलिए अब फिर हम पहुंचते हैं दोस्तों। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद, यहाँ पे अभी कुछ फूल वगैरह लेते हैं देन आगे चलते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। चलिए मेरे साथ। घृणेश्वर महादेव जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ आपको लेके आ चुका हूँ। और देखिए यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर आप जो मेल होते हैं उनको अपने ऊपर के बनियान टी शर्ट वगैरह से उतार के दर्शन करने के लिए जाने पड़ता है। तो देखिए चलते हैं अंदर दर्शन कराऊँगे बट इसमें अभी यहाँ पर बार में ज्योतिर्लिंग आपको मैंने बताया कि कैसे आना है। और देखो दर्शन का तो ये है कि और मैं दर्शन करके आ चुका हूँ अब आपको बताता हूँ बट आपको कैसे आना वो मैंने बताया। अगर आपको अंदर कैमरा ये बार बार बोलते हैं ले जाना नहीं है तो आप क्या करें फूल की टोकरी में उसको कैमरे को छुपा लें और तो लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भीड़ होती है तो कोई भी नहीं मना करता है। तो चलिए अभी मैं नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ ब्लॉग। अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि और कौन से ज्योतिर्लिंग आपके दर्शन करने हैं। और अब हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद दर्शन देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई, दर्शन यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो पुरुष जाति है वो पूरे ऊपर अपनी वस्त्र उतार के तब दर्शन करते हैं। और मैं अब आपको लेके चलने वाला ऐसी जगह जहाँ पर कैलाश एलोरा मंदिर जो 10 पीढ़ियाँ लगी उसको बनाने के अंदर, ऊपर से पहाड़ को काट काट के पूरी गुफाएं बनाई गई और जो एलोरा केव्स है वो एक अगर ऊपर से आप देखते हैं तो रथ के नुमा आपको दिखाई देगा
और उसके बाद ऊपर जो उस पर चलचित्र बनाए गए हैं वो पूरे पूरे रामायण महाभारत कृष्ण लीला वो सब दिखाई गई हैं। और देखेंगे वो हाथी नुमा पर कोई नींव नहीं है उसकी, ऊपर से ही बनाया, कमरे बनाए ऊपर से, उन्होंने 10 पीढ़ियाँ लगी उनको, उनकी जिस राजा ने बनवाया 10 पीढ़ियाँ, और वहाँ पे हिस्ट्री में भी उन्होंने एक लगाया हुआ है। तो चलते रहिए मेरे साथ, पहुँचने वाला हूँ एलोरा। आप सोच रहे होंगे 20 मिनट में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, और मेरा मेन मोटिव आपको ये जो पीछे इमेज दिख रही है आपको, मैं इसको दिखाने के लिए आपको लेके चल रहा हूँ। ये कहाँ पे बता सकते हैं आप? तब तक आप सर्च कीजिए और लिखा भी इसके ऊपर। मैं आज आपको वो बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ, वो जगह दिखाने वाला हूँ, और वो केव दिखाने वाला हूँ। चलिए फिनिशिंग ब्लॉक, हम चल रहे हैं अभी एलोरा केव। एंट्री करते हैं तो आपको इसमें यहाँ पे मैप बना होता है, उसके थ्रू भी आ जा सकते हैं। पर सजेस्ट करूँगा गाइड की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा वीडियो मैं ऐसे बनाने वाला हूँ, आपको गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मेरे साथ देखिए पूरा, इन्होंने लोकेशन बताया कौन सी गुफा कहाँ पे है, किस तरीके से है, और इस जगह आगे देखेंगे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसा मैंने बताया था ना 10 पीढ़ियाँ लग गई, इस जगह मेंशन भी है वो चीज़। तो यहाँ पे 10 पीढ़ियों में ये पूरी चीज़ें बनाई, वो आपको अंदर लेके चलता हूँ। चलिए, बारिश का मौसम है और घूमने का मज़ा ही कुछ और अलग ही बढ़ जाता है। मैं आ चुका हूँ अजंता एलोरा में, तो उसके बाद यहाँ पे कोई अभी टिकट वगैरह तो देखते हैं क्या होता है। ये टिकट काउंटर है और मैं देखता हूँ इसमें कितने की टिकट है अजंता एलोरा की। पहले इंडियन 40 रुपीज़, एलोरा में 40 रुपीज़ की एंट्री फीस है। और दिखाता हूँ, देखो अब यहाँ पे चार्जेस लग चुके हैं, पहले कुछ समय तो चार्जेस नहीं थे, पर इन्होंने अच्छा बना भी दिया है। पहले तो बिल्कुल यहाँ पर पत्थर और घास जंगली था, बट इन्होंने अभी थोड़ा सा देखने लायक चीज़ें बनाया, तो इन्होंने अच्छा, नो डाउट। यहाँ से एंट्री करते हैं और एग्जिट का अलग है, तो देखते हैं। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ एलोरा केव्स, ये बनी हुई एलोरा केव्स जो ये औरंगाबाद धर्मेश्वर के जस्ट पास में है। किताबों में पढ़ी हुई चीज़ें, कई बार उस जगह आप जाते तो कुछ अलग ही मज़ा ही आता है। जस्ट देखेंगे अजंता एलोरा, एलोरा है ये, अजंता थोड़ा यहाँ से दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, ये एलोरा है। मौसम भी सुहाना है और साथ में लोगों की भीड़ भी बहुत है। ये वीडियो मेरा ना धमाकेदार होने वाला है, जो इसमें आपको गाइड की, अगर देख लिया पूरा वीडियो आपने तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अब आपको पहुंचने वाला हूं, और उसके बाद क्योंकि शायद हो सकता है मैं खुद गाइड ले लूं, या फिर आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको लेके आ चुका हूं एलोरा में, और देखेंगे आके आप वीडियो खोल दिखा रहा हूं मैं काशियाँ। और देखिए थोड़ा सा ध्यान देकर, ध्यान से चीज़ें देखेंगे आपको दिखाई देंगी। देखिए ये हाथी है जो यहाँ पर भगवान के नृत्य करते हुए, कुछ भगवानों के फोटो कुछ कलाकृति देखेंगे। हाथी बनी हुई धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और काफ़ी ऊपर तक है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको हुकुम सिंह ब्लॉग्स के थ्रू, पूरा मेरा इतनी मेहनत तो लगती है, दूर आता हूँ इतना। देखो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है और लाइक करना, और कमेंट मुझे बताएं कि और आपको आगे से कहाँ देखना है। देखेंगे, देखो आपको इस चीज़ की बताऊंगा अभी, वो भी चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से देखना है कलाकृति, आप इसमें देखेंगे पूरा बना हुआ, बट अभी कुछ ऐसी जलवायु यहाँ की अभी धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की वजह से ये खुद छेद भी होते जा रहे हैं, ख़राब भी हो रही है। मैं फाइनली आपको लेके आ चुका हूँ एलोरा, जैसे मैंने आपको दिखाया था एलोरा की गुफाएं जो हिस्ट्री में आपने पढ़ी होंगी। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ की जानकारी आपके पॉकेट में भी रहती हैं कुछ चीज़ें, बट आपको पता ही नहीं होता है, और मंदिरों के बारे में भी आपको चीज़ें सुनी होंगी वो भी नहीं पता होता। तो चलो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, अभी बताते हैं आपको। सर यहाँ पे 3 किलोमीटर में 34 गुफा, 3 धर्म का
अच्छा 34 गुफाएं टोटल, तीन धर्म का, तीन धर्म का। राइट साइड में जाएंगे, एक नंबर से लेके 12 नंबर तक सभी बुद्ध भगवान की गुफाएं, और 13 से लेके 29 तक हिंदू गुफाएं शिव पार्वती का, और 30 से लेके 34 जैन धर्म का। ये अलग अलग राजा के पीरियड में अलग अलग गुफा बनी है। जो हिंदू गुफा देख रहे आप, 7वीं से 9वीं शताब्दी में जो राष्ट्रकूट का राजा फर्स्ट कृष्णदेव आया, उसका बेटा दंतीगुरु है। ये जो मंदिर है सर, पूरा एक पत्थर है, और पत्थर को ऊपर से नीचे कट करते करते लाए, इसलिए 200 साल लगा, 10 पीढ़ियों ने काम किया है। 200 साल लगे इसको बनाने में, 10 पीढ़ियों ने काम किया, ठीक है। और जैसे घर जो होता है, मंदिर होता है, नीचे से बनाते, लेकिन इस मंदिर को नीचे से नहीं बनाया, पूरा एक पत्थर है, ऊपर से बनाते 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 नीचे आया। मंदिर का पहले बनाया कलश, फिर बनाया बाद में पाया। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत देखा है, उसमें दूसरा ठीक है। हाँ, शिव पार्वती आगे, ठीक है, तांडव का जैसे दिख रहा है, ठीक है। उसके आगे देखिए इस साइड में, और बीच में शिव पार्वती है, ये वाला। हाँ, और उसके बगल में है विष्णु भगवान का वाहन गरुड़, ठीक है। विष्णु भगवान शिव पार्वती, दोनों साइड में दो हाथी देखिए बड़े बड़े। हाँ, दोनों साइड में दो पिलर है, इधर इस साइड में सामने एक पिलर है, उधर का एक पिलर है, ध्वजस्तंभ और कीर्तिस्तंभ। मंदिर में देखिए बहुत सारा पेंटिंग दिख रहा है आपको। जो पेंटिंग है, इंदौर की रानी जो थी अहिल्या देवी होलकर, उन्होंने इस मंदिर में बहुत सारा काम किया है, पेंटिंग किया है। ये शिव भगवान का नटराज, जैसे देखिए इस साइड में महाभारत का स्टोरी दिया है, ये सामने का प्लेट है, ये वाला देख सकते हैं। ये महाभारत की स्टोरी दिखाई गई है, आप देखो ध्यान से, एक नंबर लाइन में देखो यहाँ पे अर्जुन जो है तो तपस्या करता है एक पैर पे, अर्जुन जो एक पैर पे तपस्या करता है। बिल्कुल आगे देखिए तीर चलाते हुए दिखाया है, बिल्कुल उसमें जो है तो मल्ल युद्ध दिखाया दोनों का, अर्जुन का और मल्ल का। इसके बाद में देखिए मल्ल ने उसको गिरा दिया है अर्जुन को आगे जंगल होने के बाद। फिर नेक्स्ट में देखो कृष्ण भगवान बैठे जा रहा है, और फिर उसके बाद में पांची पांडव दिखाए, अर्जुन दर्शन करता है भगवान का, फिर रथ पे निकल गए, युद्ध चालू हो गए। आगे देखिए इस साइड में, राइट साइड में तीन नंबर लाइन, ये वाला। अभी उन्होंने देखो चक्र में मंगाया, उसे जाना पता है लेकिन बाहर आना पता नहीं है, इसलिए देखो उसका वध हो गया। नीचे के पाँच नंबर लाइन देखो, भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध दिखाया, ये वाला। कृष्ण भगवान कहते उसे यहाँ मारो नीचे जाओ, इसलिए देखो मार दिया है, नीचे चला गया। फिर पूरे पांची पांडव दिखाए, इस साइड में देखिए आगे पूरा महाभारत, नीचे का दो लाइन कृष्ण लीला, कौन सुनाओ के कारागार में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए बच्चा दिखाया हाथ में, उसके पिताजी वासुदेव लेके आए गोकुल में डाल दिया है, झूला दिखाया आगे। फिर उसके आगे वाले पैनल देखो गोपुरम में, ऐसे तो मैं मक्खन बना रही हूँ वहाँ पे। गोपुर वाले पैनल देखो कृष्ण भगवान जो है तो बचपन से ज़्यादा शरारत करते हैं, इसलिए पुराने ज़माने में जो धान कुटने का गोकुल होता था ना, उसको बांध दिया उनके माने। नेक्स्ट वाले पैनल में झूले में झूलते उनके उत्पीड़न के राक्षस है पुतना नाम की, उसे भी मार दिया है। ऊपर देखिए मंदिर ऐसा बनाते बनाते नीचे है, सेम रथ के आकार का दिखता है मंदिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल रथ के आकार का दिखाई दे रहा है मंदिर। आपने देखे होंगे नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं, बट ये मंदिर है ऊपर से पहले बनाया है फिर नीचे, और एक ही पत्थर के अंदर ये बनाया गया पूरा मंदिर। ये एलोरा गुफा के नाम से फेमस है, एक ही पत्थर में बनाया गया ये। राइट में वहाँ से ऊपर चढ़ के अगर मंदिर देखते हैं ना, मंदिर सेम रथ के आकार का बना है, ऐसा लगता है रथ है भगवान का, और उसमें मूर्ति रखा है और रथ आगे चल रहा है, इसलिए मंदिर कहीं आगे पीछे। इसलिए कलाकार ने कहा कि नीचे देखो चाकनी है लेकिन प्राणी है, हाथी और सेब। ये जो मंदिर है इनके पीठ के ऊपर में, और ये प्राणी भगवान का मंदिर आगे लेके जाते हुए दर्शा है चारों साइड से। ये मंदिर आपको एलोरा की जो गुफा है ऐसा नजर आता है जैसे कि एक रथ के रूप में, पूरा शिव पार्वती का मूर्ति ऊपर। ये पूरी अंदर जो बनाई गई है इसमें कलाकृतियां शिव और पार्वती की बनाई गई हैं। दिखता है पूरा मंदिर का काम करते करते नीचे आए, ये जरा देखो अंदर काम किया है। ये पत्थर जो है ये पत्थर, ये पत्थर को जो पहाड़ है उसको काट के बनाया गया, इसका नाम इसलिए केव रखा गया एलोरा केव। यहाँ से अजंता कितना दूर है? अजंता 110 किलोमीटर यहाँ से, अजंता 110 किलोमीटर दूर है यहाँ से। देखो सबसे बड़ी पत्थर बिना सपोर्ट का खड़ा है, बिल्कुल बिना सपोर्ट के। देखिए आप, देखिए दोनों, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो एलोरा का दोनों में इतना गैप है और कोई सपोर्ट नहीं है पत्थर में, देखिए आगे से, क्योंकि ये पहाड़ को काट के, मैंने आपको बार बार बताया कि सिर्फ ये पहाड़ को काट के बनाया गया है। तो देखेंगे ध्यान से आप, इसके अंदर कृष्ण लीला और महाभारत की सारी चीज़ें भी दिखाई गई, और ये रथ के रूप में बनाया गया है, और ऊपर इसमें एक शिवलिंग भी है। देखिए आप चारों तरफ आपके देखेंगे नीचे हाथी हैं,
इनकी क्या खास बात है जो नीचे इन्होंने हाथी बनाए सारे सबकी इस तरह से? प्राणी की पीठ के ऊपर भगवान का मंदिर है ना, प्राणी लेके चलते हुए दिखाए साइड में। देखो इनका जो सूंड है उसमें फूल है, आने वाले का स्वागत करते दिखा बिल्कुल। नीचे जैसे कि इस हाथी का आप देखेंगे सूंड पूरा है और उसमें फूल है, और ये उनकी पीठ के ऊपर बना हुआ मंदिर है जिसको एलोरा गुफा कहते हैं। और देखेंगे पत्थर के नीचे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो खंभे लगे हों, पत्थर को काट के पूरा बनाया गया है। साइड में अपन ने देखा महाभारत शिवलीला, इधर से विष्णु लीला, विष्णु की दशा अवतार, नरसिंह अवतार। इधर देखेंगे आप विष्णु के 10 अवतार पूरे यहाँ पे बनाए हुए हैं। अंदर लाइटिंग नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, बट देखेंगे आपके मौसम में भी धूप नहीं है, धूप होती तो और भी थोड़ा सा अच्छा नज़ारा होता, बट नज़ारा काफ़ी अच्छा है। देखो मुझे आंखों से भी सेम ऐसे दिख रहा है जैसे कि रथ रूप है। रावण ने पहला स्वर्ग उठाने का प्रयास किया है, या भी नीचे जो है तो रावण है, रावण जो है सुमन का सबसे प्रयास है, इसलिए उसको 10 सिरे 20 हाथ है, रावण को दशानंद कहा गया है। ऊपर शुभार्थ बैठे कैलाश पे, जब सूर्य ने रावण को शक्ति दिया तो शक्ति रावण को करवाया, इसलिए उसने क्या सोचा पूरा कैलाश पर उठा नहीं होगा। जब रावण ने कैलाश पर उठाया उसका सिर आगे था, तो भगवान ने पैर से उसे नीचे दबा दिया, सिर घूम गया, ऐसे कहते बैक सेट है ना उल्टा रावण, इसलिए इस मंदिर को कहा गया कैलाश मंदिर। ये पूरा रामायण बना है सर, ये 3 नंबर लाइन देखो राइट साइड में, राम लक्ष्मण सीता बैठा है, और रावण हिरण बन गया है, राम जी बांध लेके देखो उसके पीछे गए। भिक्षा पैरल में देखिए आगे रावण ने क्या किया, साधु का भेज लिया सीता माया से भिक्षा मांगते, सीता माया को उठा के रथ में डाल दिया, पुष्प विमान निकल गया इस साइड में। और उसके नीचे वाले लाइन देखो, 2 मूर्ति बीच में पेड़ है, 2 युद्ध चल रहा है, बाली सुग्रीव दोनों भाई का। बाली को भगवान का ऐसा वर्णन था, जो भी कोई शत्रु सामने आएगा आकर शक्ति निकल जाएगा, ये बात राम जी को पता है, इसलिए उसके सामने नहीं जाना चाहते, पेड़ के पीछे छुप गए और उसको मार दिया है। फिर नीचे से और इस साइड में 3 नंबर लाइन लेफ्ट राइट में अशोक वाटिका, जहाँ सीता माया को रखा है, आम का बाग है, केले का बगीचा है, सब दिखाया वहाँ पे। आगे देखिए सीता माया बैठा है, हनुमान जी आए दर्शन किया, अंगठी ने दिया, और उसके बगल में देखो इस साइड में आगे वाले पैनल में रावण बैठा है सिंहासन पे, 20 हाथ है, 10 सिरे। उसके बगल में साइड में देखो हनुमान जी, हनुमान जी ने तो राम का दूत इसको बैठने को जगह नहीं दिया, इसलिए क्या किया उन्होंने, ऊंच की गद्दी बनाए, उससे भी बड़ा सिंहासन करके उसके ऊपर बैठ गए। नीचे के 2 नंबर लाइन, जब लंका में आक्रमण करना था पत्थर पर नाम लिखा श्रीराम बोल के पुल बना दिया सेतु, और नीचे युद्ध होने वाले लास्ट में रावण कांत होगा। इस साइड में जाइए ऊपर, ये सीतारण, हाँ बिल्कुल सीतारण का ठीक है, हाँ बिल्कुल दिखा रहे हैं। कैलाश मंदिर, ये कैलाश मंदिर है, ये कैलाश मंदिर, आ जाएगा चलो बेटा। शुभ नृत्य करते हैं, नटराज के नाम से जाना जाता है, इस साइड में देवी पार्वती भी शिव के साथ में नृत्य करते हैं, लेकिन उनको आया नहीं, इसलिए देखो शुभ ने क्या किया, आज के कान पकड़ाया उनका देवी पार्वती का। और ये मूर्ति राउंड में घूम के देखते हैं ना, इसलिए अपने तरफ भी देखते हैं, आगे आगे चलते हैं पेंटिंग। हाँ जी मंदिर आपके लिए, मंदिर के अंदर में सर 16 पिलर ऊपर देखी सकते हैं, यहाँ पर पेंटिंग साइड में ब्रह्मा जी, एक नंबर में ब्रह्मा जी, अन्नपूर्णा विष्णु देने वाले खाना जिला पालन पोषण करना, इस साइड में देखिए गंगा दिशा है जो पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा में शिव भगवान का निवास स्थान है कैलाश पर्वत, इसलिए इसका दिशा भी उत्तर दिशा की ओर दिया है। सभी हमारे साइड में जय गोपाल, ये गैलरी में देखो लोग आ रहे हैं वहाँ से, ये पिलर है सामने और वो पीछे का मंदिर यानी ये कैलाश मंदिर। जो 20 रुपये के नोट, जो नोट पे आपने जो नया वाला देखा है पिक्चर पीछे का है, वो सिर्फ एलोरा का ही कॉपी किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जो पिलर है वो ये रहा है,
और जो कैलाश मंदिर है पूरा डिट्टो आपको नजर आएगा। फाइनली मैंने आपको एलोरा केव दिखाया और बताया भी यहाँ पे क्या क्या है, कृष्ण लीला और महाभारत, और जो 20 रुपये के ऊपर जो बिल्कुल प्रिंट है वो पीछे जैसे दिख रहा है वो प्रिंटेड है। तो चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ आगे। लाइफ में एक बार तो आने को आपको बनता है, क्योंकि देखने की चीज़ें हैं ये पुरातत्व विज्ञान की, पुरातत्व विभाग की, क्या अलग यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने और भी चीज़ों को बनाया। कुछ केव्स हैं यहाँ पे जो उनको भी थोड़ा मॉडिफाई किया उन्होंने, एंट्रेंस वगैरह पूरा। सबसे पहले लास्ट टाइम आज से 10-15 साल पहले मैं कभी आया था, तो उस टाइम मेरी ब्लॉगिंग नहीं थी। आज मैंने हुकुम सिंह ब्लॉग्स बनाए सिर्फ आप इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कुछ चीज़ें। बहुत मेहनत लगती है यार हज़ारों किलोमीटर दूर आने में, और ये सिर्फ मैं आप इसलिए क्योंकि मेरे को किसी ने पर्सनली बोला था कि यार ये चीज़ मुझे देखनी है एलोरा और ये नासिक वगैरह। तो देखिए मैंने आज आपको एलोरा की गुफाएं और कैलाश मंदिर जो इसको कहते हैं वो भी मैंने दिखाया, उसकी हिस्ट्री बताई गाइड करके। उसकी हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई कि उसके अंदर क्या क्या है, क्यों क्यों चित्र बने हुए हैं। पूरा एक रथ की नुमा दिखता है, तो ऊपर से देखने में रथ की नुमा, नीचे से देखो इस पहाड़ को काट के बनाया गया, कोई भी जोड़ नहीं है बस शिवलिंग में या मंदिर में। नीचे हाथियों के रूप, नीचे हाथियां जो उनके ऊपर वो बनाया गया पूरा ही। तो चलिए हुकुम सिंह ब्लॉग्स अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। लाइक तो बनता है यार, क्योंकि मैं अगर मैं इतनी आप लोगों को वीडियोज़ दिखा रहा हूँ तो।